प्रखंड के हरिहरपुर पूर्वी पंचायत में पंचायत समिति मद के 15वीं वित्त आयोग की योजनाओं में उपयोग की गई सामग्री के प्रतिष्ठान का वाउचर बदलने के साथ 5 लाख रुपए का फर्जीवाड़ा करने की शिकायत को लेकर कन्या अभियंता व प्रमुख के खिलाफ ग्रामीणों ने आक्रोश व्यक्त कर उच्च स्तरीय जाँच की मांग की है। हरिहरपुर पूर्वी पंचायत के वार्ड 8 में PCC सड़क निर्माण के बाद राशि के भुगतान में अनियमितता के साथ मनमानी को लेकर पंचायत समिति सदस्य मोहम्मद अर्शीद अहमद ने DM व DDC सहित विभागीय अधिकारियों को आवेदन सौंपा था। अब तक इस दिशा में दोषी पर कार्रवाई नहीं होने पर रविवार को नवनिर्मित सड़क स्थल पर लगे शिलापट के समीप स्थानीय ग्रामीणों ने उप प्रमुख साजिद मुजफ्फर बबलू, पंचायत समिति अर्शद अहमद, लेबर मेट कामोद महतो के नेतृत्व में तकनीकी सहायक दिनकर, प्रखंड प्रमुख पुष्पा झा के खिलाफ आक्रोश जताया। उप प्रमुख ने कहा कि पंचायत समिति सदस्य की अनुशंसा पर BPRO ने 12,14,400 की प्राकृतिक राशि से योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दिया था। सरकारी प्रावधान के अनुसार योजना में अग्रिम राशि भुगतान करने का निर्देश नहीं होने पर लेबर मेट कामोद महतो ने सड़क निर्माण सामग्री आसपास गांव के लक्कीन उद्योग व जीवन ज्योति स्टोर से मंगवाई गई। निर्माण सामग्री से PCC पथ का निर्माण कार्य पूर्ण किया। सीमेंट बालू ईंट के आपूर्तिकर्ता उक्त प्रतिष्ठान का बिल वाउचर लेबर मेट ने तकनीकी सहायक दिनकर को उपलब्ध करा दिया गया, लेकिन प्रखंड प्रमुख ने अपने पावर का दुरुपयोग व तकनीकी सहायक को मेल व दबाव में लेकर 30 किलोमीटर दूर रणपुर अन्य प्रखंड के प्रतिष्ठान इसके ट्रेडर्स का निर्माण सामग्री आपूर्तिकर्ता का भाउचर लगाकर 5,44,363 रुपए की निकासी करना फर्जीवाड़ा को दर्शाता है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि सरकारी राशि का गबन करने का मामला की उच्च स्तरीय जाँच कर संलिप्त लोगों पर विभागीय के साथ कानूनी कार्रवाई की जाए। उप प्रमुख ने आरोप लगाया कि प्रखंड के पदाधिकारी एक बड़े नेता के दबाव में इस तरह का अनेकों मामला किया है। प्रमुख भी अपनी मनमानी कर रही हैं। शिकायतकर्ता पंसस मोहम्मद अर्शीद ने बताया कि वार्ड 8 में मोती सेठ के घर से चुल्हाई राम के घर तक PCC सड़क का निर्माण कार्य संपन्न होने के बाद योजना के अभिकर्ता तकनीकी सहायक दिनकर है। प्रमुख एवं तकनीकी सहायक ने आश्वासन दिया था कि अप्रैल में भुगतान हो जाएगा, लेकिन मार्च में प्रखंड नाजर व तकनीकी सहायक के मिलीभगत से वाउचर का फर्जीवाड़ा कर राशि की निकासी कर अपने पास रख गलत आपूर्तिकर्ता के माध्यम से रख लिया है। आक्रोश व्यक्त करने वाले स्थानीय ग्रामीण वार्ड सदस्यों में मोहम्मद शकील, पंच अफ्ताब आलम, राजेंद्र राम, मोहम्मद फैसल, विजय राम, महेंद्र राम, पिंटर, जमाल नासिर, फयाज अहमद, इकराम अहमद, मन्नान, मोहम्मद जमील, महबूब आलम, मोहम्मद नौशाद, किशोरी ने तकनीकी सहायक व प्रखंड प्रमुख के खिलाफ नारेबाजी कर आक्रोश व्यक्त किया है। कहा है कि पंसस के प्रयास से जर्जर सड़क का निर्माण किया गया। सड़क बन जाने से लोगों को सुविधा हुई है। सड़क बनाने वाले लेबर मेट की मजदूरी व निर्माण सामग्री का भुगतान करने में जिस प्रकार का भ्रष्टाचार सामने आया है उसकी जांच कर दोषियों पर कार्रवाई नहीं होने पर प्रखंड मुख्यालय का घेराव कर अधिकारियों के खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। इधर प्रखंड सिन्हवाड़ा में सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में अनियमितता का लगातार मामला सामने आ रहा है। 13 अगस्त को पंचायत समिति की बैठक में आरोप प्रत्यारोप के बीच जनप्रतिनिधि ने मनरेगा योजना में कन्या अभियंता को निशाने पर लेकर हंगामा किया था। इस संबंध में तकनीकी सहायक दीनकर का कहना है कि सभी आरोप बेबुनियाद मनगठन है। ये विरोध है 5.5 लाख के करीब जो इन लोगों का गबन हुआ, ये है पंचायत समिति मालपट्टी गांव से, हरिहरपुर पंचायत पूर्वी पंचायत है, हरिहरपुर पूर्वी के ये पंचायत समिति हैं और इनके अनुशंसा से ये रोड हम लोग हाउस से पास हुआ था काम करने के लिए। और हमारे प्रखंड क्या कि पूरे बिहार में मैं समझता हूँ जो लगभग सिस्टम है कि जो भी प्रतिनिधि हैं वो खुद से ठेकेदारी करते हैं या फिर अपने कोई किसी सहयोगी जो बेरोजगार नौजवान होते हैं उनको दे देते हैं कि आप मैंने पूंजी लगा के इस योजना को कर लीजिए। अभिकर्ता पूंजी लगाता नहीं है, सरकार पहले पैसा अलॉट नहीं करती है, अभिकर्ता अपना कमीशन लेते हैं, तब जिनका पूंजी लगा रहता है उनको पैसा निकासी करके देते हैं। इन लोगों का लगभग ये जो बोर्ड पर लिखा हुआ है 12,14,400 का एस्टीमेट बना था, जिसमें 11,81,000 का जो है MB लोड हुआ। इन लोग ने अपना जिनका जहां से मटेरियल लिया गया था, कौन से मटेरियल वाले हैं, जीवन ज्योति स्टोर जो इसी गांव के बगल में है उनका दुकान, वहां से मटेरियल आया ये रोड को, ये दिनकर जी, ये क्या नाम हुआ, प्रमोद जी, ये पूंजी लगा करके इसको, ये लेबर मेट भी थे, पूंजी भी अपना लगा, इस रोड को तैयारी किए
तैयारी करने के बाद जिसमें दुकानदार का मटेरियल लगा हुआ था उनका वाउचर दिए जेई को, जेई का किए कि पुष्पा झा प्रमुख से मिल करके उसमें से 5,44,000 रुपया निकासी कर लिए और निकासी किए हैं जो रतनपुर यहां से लगभग 30 से 35 किलोमीटर दूरी एसके ट्रेडर्स है कोई। अब बताइए कि हर गांव में मटेरियल के बिल्डिंग मटेरियल की दुकान है बालू सीमेंट की, अब 35 किलोमीटर से कोई माल ला करके यहां लगाएगा? ये तो सीधे सोचने की बात है, ये बहुत बड़ा गबन है, इंटेंशनली ये डकैती है, इसकी जांच हो। जिस रोड पे अभी हम लोग खड़े हुए हैं, ये रोड की हालात इतनी ख़राब थी, कितने जद्दोजहद के बाद ये रोड को बनाया गया, बनाने के बाद संपूर्ण वर्क होने के बाद हम लोग जो भाउचर लगाए थे वो भाउचर पर पेमेंट न होकर के 5,44,000 रुपया दिनकर के द्वारा निकाल लिया गया इसके ट्रेडर्स पर, जिसकी मैं अभिकर्ता, मैं ये चाहता हूँ कि इसकी निष्पक्ष जाँच हो और जो भुगतान अवैध तरीके से किया गया है वो ठेकेदार को दिया जाए। मैं कामोद कुमार महतो लेबर मेट हूँ इस योजना में, और लेबर मेट का अभी तक पेमेंट नहीं हुआ। ईंट मैं लक्की ईंट उद्योग का लगाया इसमें, उसका भी पेमेंट नहीं हुआ। मटेरियल मैं जीवन ज्योति स्टोर्स मोहम्मदपुर से लिया, उसका भाउचर मैंने जेई साहब को दिया पेमेंट के लिए, उन्होंने भाउचर बदल कर एसके ट्रेडर्स का भाउचर लगाकर पेमेंट 5,44,363 रुपया किए, और हम लोगों को जानकारी भी नहीं दिए कि वो क्या किए नहीं किए। उसके बाद जब हम लोग को पता चला एक दो महीने के बाद, तो इस पर छानबीन किए, वीडियो साहब बोले कि नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है कि पेमेंट बिना कहे हो जाएगा, फिर भी हम लोग ज़बरदस्ती फाइल खुलवाए तो वहाँ पेमेंट हुआ था। उसके बाद हम कहे कि ठीक है, इसका एक छाया पड़ते दीजिए, वीडियो साहब नहीं दिए। फिर हम लोग जो जिला से कोड निकलवा करके उसका ऑनलाइन स्लिप निकाले, 5,44,363 रुपया निकला हुआ था। इसका आवेदन मैंने DM साहब को दिए और पंचायती राज पदाधिकारी जिला को दिए, उसकी अभी कार्रवाई चल रही है, अभी तक जांच नहीं बैठा है।